आपके सामने बात कर रहा हूं स्टूडेंट, आप सभी का मैथ्स वर्ल्ड ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। स्टूडेंट चलो हम देख रहे हैं अभी हमारा जो प्रैक्टिस सेट नंबर 1.5 जो रनिंग प्रैक्टिस सेट है उसी में से स्टूडेंट हमें लर्न करना है आज प्रैक्टिस सेट नंबर 1.5 में से एग्जांपल नंबर 5। स्टूडेंट क्या है एग्जांपल नंबर 5, क्या ढूंढना है हमें एग्जांपल नंबर 5 में, अच्छे तरह से पहले हमें एग्जांपल रीड करना पड़ेगा, बाद में हमें फिक्स करने पड़ेंगे वेरिएबल्स, और वेरिएबल फिक्स करने के बाद हमें स्टूडेंट फॉर्म करने पड़ेंगे साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, और स्टूडेंट वो सॉल्व भी करने पड़ेंगे और हमें वेरिएबल की वैल्यू मिल जाएगी। और स्टूडेंट याद रखना आपको प्रैक्टिस सेट नंबर 1.5 में से एग्जांपल नंबर 6 होमवर्क में है, आपको स्टूडेंट ये होमवर्क एग्जांपल करना है 6 वाला। स्टूडेंट ये 6 वाला एग्जांपल जैसे हमारे बुक में सॉल्व किया हुआ एग्जांपल है, सॉल्व एग्जांपल स्टूडेंट आपको देखना है, और देखने के बाद स्टूडेंट ये होमवर्क वाला एग्जांपल आपको 6th वाला आपको करना है, नहीं आने पर स्टूडेंट आप कमेंट बॉक्स में सीधा पुट कर देंगे कि सर एग्जांपल नंबर ये सॉल्व करके दो, तो सॉल्व करके दूंगा मैं। स्टूडेंट चलो एग्जांपल नंबर 5, टू टाइप्स ऑफ बॉक्सेस, कितने टाइप्स है बॉक्स के, दो टाइप्स है। टाइप ऑफ द बॉक्सेस ए है स्टूडेंट एंड द टाइप्स ऑफ द बॉक्सेस बी, दो टाइप के बॉक्सेस है एंड बी आर द टाइप्स ऑफ बॉक्सेस प्लेस्ड इन अ ट्रक, जो स्टूडेंट ट्रक में प्लेस किए हैं। आपको पता है स्टूडेंट ट्रक कैसी होती है, तो स्टूडेंट चलो यहां पे स्टूडेंट ट्रक है, तो स्टूडेंट यहां पे ट्रक में क्या किया है, स्टूडेंट ट्रक में हमारे स्टूडेंट यहां पे ट्रक है, तो ये वाली जो ट्रक है स्टूडेंट वो ट्रक में कुछ बॉक्सेस हमें पुट करना है, क्या पुट करना है स्टूडेंट बॉक्सेस, और स्टूडेंट बॉक्सेस के जो टाइप है स्टूडेंट टू टाइप्स के बॉक्सेस है हमारे, ये वाले जो टाइप्स है वो ए वाले, ये वाले जो टाइप्स है वो बी टाइप के, मतलब स्टूडेंट हमारे ट्रक में ए टाइप एंड बी टाइप के बॉक्सेस है हैविंग कैपेसिटी ऑफ द 10 टन्स, मतलब स्टूडेंट जो भी हमारी जो ट्रक है वो ट्रक में जो कैपेसिटी ट्रक की कैपेसिटी है वो है 10 टन्स, कितने टन स्टूडेंट 10 टन, तो स्टूडेंट आपको याद रखना है वन टन इज इक्वल टू 1000 केजी, व्हाट स्टूडेंट 1 टन इज इक्वल टू 1000 किलोग्राम 1000 केजी, सो स्टूडेंट 10 टन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा स्टूडेंट 10000 केजी हो जाएगा, 10 टन कितना हो जाएगा 10000 केजी, मतलब हमारे जो ट्रक है उसकी कैपेसिटी कितनी है 10 टन है। When 150 boxes of type A, student A type के जो boxes है वो 150 है, and 100 boxes जो है type B के है are loaded in the truck, वो कहाँ load किए student truck में load किए, and it weight 10 tons, and उसका weight कितना हो रहा है student 10 ton हो रहा है, 10 ton मतलब 10,000 kilogram। student अब आगे का देखो क्या है student बात, न्यू कंडीशन यहां तक स्टूडेंट कंडीशन 1 है, दूसरी कंडीशन यहां से शुरू है व्हेन 260 बॉक्सेस ऑफ द टाइप ए, स्टूडेंट टाइप ए के 260 बॉक्सेस आर लोडेड इन द ट्रक, जो ट्रक में लोड किए इट कैन स्टिल अकोमोडेट 40 बॉक्सेस ऑफ टाइप बी, एंड स्टूडेंट उसी ट्रक में 40 बॉक्सेस टाइप बी के भी हम प्लेस कर सकते हैं। स्टूडेंट देख लेना यहां पे दूसरी कंडीशन, टाइप ए के कितने बॉक्सेस 260 boxes, यहाँ पे 40 boxes type B के, तो क्या होता है जो ट्रक है वो फुल लोडेड होती है, फुल लोडेड कब होती है जब उसका वेट 10 टन होता है, मतलब सेकंड कंडीशन में फुल लोडेड मतलब कितना 10 टन, और वी हैव टू फाइंड द वेट ऑफ द ईच बॉक्स ईच टाइप ऑफ बॉक्स, हमें क्या फाइंड करना है स्टूडेंट वेट ऑफ ईच टाइप ऑफ बॉक्स, हर टाइप का जो बॉक्स है ए टाइप एंड बी टाइप उसका हमें क्या ढूंढना है वेट ढूंढना है। तो स्टूडेंट चलो हम यहां पे लिख लेते हैं सॉल्यूशन, ओके चलो स्टूडेंट यहां से हम स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। सॉल्यूशन क्या है, सॉल्यूशन में स्टूडेंट ये बेसिक इंफॉर्मेशन लिख दी है, 1 टन इज इक्वल टू 1000 किलोग्राम,
एंड 10 टन इज इक्वल टू 10,000 किलोग्राम। चलो चलते स्टूडेंट, हमें अभी क्या करना है, फिक्स करना है हमारे वेरिएबल्स। तो स्टूडेंट कर देना फिक्स वेरिएबल्स। तो स्टूडेंट यहां पे देख लेना क्या फाइंड करना है, वेट ऑफ ईच टाइप ऑफ बॉक्स। ओके, वेट ऑफ ईच टाइप ऑफ बॉक्स। सो स्टूडेंट वी कैन राइट हियर लेट वेट ऑफ टाइप ए बॉक्स इक्वल टू एक्स केजी। लेट वेट ऑफ टाइप ए बॉक्स इज इक्वल टू एक्स केजी एंड बी बॉक्स इज इक्वल टू वाई केजी। तो स्टूडेंट देखिए ना यहां पे हम क्या लिख रहे हैं, वेट ऑफ द टाइप ए बॉक्स इज इक्वल टू एक्स केजी एंड द टाइप ऑफ द बी बॉक्स इज अ वाई केजी। जो हमारा वेट है स्टूडेंट, एक्स जो बॉक्स है, सॉरी ए जो बॉक्स है उसका वेट एक्स किलोग्राम है, वाई जो बॉक्स है स्टूडेंट, बी जो बॉक्स है उसका वेट कितना है स्टूडेंट, वाई किलोग्राम है। तो स्टूडेंट हमने क्या किया स्टूडेंट, वेरिएबल फिक्स किए। अब हम जा रहे स्टूडेंट साइमल्टेनियस इक्वेशन जो हमें बनाने हैं। तो स्टूडेंट साइमल्टेनियस इक्वेशन बनाने के लिए जो भी एग्जांपल में स्टूडेंट हमें कंडीशन दी है वही कंडीशन का हमें इस्तेमाल करना है, यूज करना है, और साइमल्टेनियस इक्वेशन स्टूडेंट हमें फॉर्म कर रहे हैं, और साइमल्टेनियस इक्वेशन फॉर्म करने के बाद आपको पता है सॉल्व करना है। चलो स्टूडेंट हम कंडीशन के ऊपर देख रहे हैं अभी। फ्रॉम द फर्स्ट कंडीशन यहां पे मैं लिख रहा हूं, फ्रॉम दी फर्स्ट कंडीशन। तो स्टूडेंट फर्स्ट कंडीशन क्या है, तो देखो यहां पे व्हेन 150 बॉक्स ऑफ टाइप ए के कितने बॉक्सेस है 150। सो स्टूडेंट यहां पे 150 तो वेट कितना हो जाएगा 150 इंटू ए टाइप के, सो इसीलिए इंटू एक्स 150 इंटू एक्स प्लस स्टूडेंट एंड 100 बॉक्स ऑफ टाइप बी, 100 बॉक्स ऑफ टाइप बी, बी का कितना वेट है बी टाइप बॉक्स का वाई। ओके, और ये कुल मिला के पूरी एडिशन करके इसका वेट कितना होता है स्टूडेंट, आर लोडेड इन द ट्रक, जो ट्रक में डाल दिए तो वेट कितना होता है स्टूडेंट 10 टन वेट होता है। कितना वेट होता है 10 टन स्टूडेंट। अब आपको इक्वेशन कैसा बनाना है एक ख्याल में रखो स्टूडेंट, क्या करना है 150 जो बॉक्स है हमारे और एक ए टाइप बॉक्स का वेट कितना है एक्स है, तो 150 जो बॉक्स है उनका वेट कितना बनेगा ए टाइप स्टूडेंट, याद करना जो हमारा ए टाइप का बॉक्स है उसका वेट कितना है स्टूडेंट एक्स के जी है। ओके, तो स्टूडेंट वन बॉक्स ऑफ ए टाइप इज एक्स के जी, ऐसे कितने बॉक्सेस है स्टूडेंट 150 बॉक्सेस है। तो स्टूडेंट ए पहले बॉक्स का स्टूडेंट एक्स के जी, ए दूसरे बॉक्स का स्टूडेंट एक्स के जी, ये जो तीसरा बॉक्स है उसका एक्स के जी, ऐसे ऐसे कितने बॉक्स होने वाले स्टूडेंट 150 होने वाले, ये कितने बॉक्सेस होने वाले 150। सो स्टूडेंट इसके एडिशन करने पर 150 हो जाएगा, मतलब ये एक्स कितने हो जाएंगे 150 एक्स हो जाएंगे। तो स्टूडेंट यहाँ पे 150 एक्स प्लस वाई टाइप बी बॉक्सेस का वेट 100 बॉक्सेस है तो वेट कितना हो जाएगा 100 वाई, और स्टूडेंट पूरी ट्रक में कितना वेट होता है स्टूडेंट, ये फुल लोडेड करने के बाद होता है 10 टन्स, एंड 10 टन्स मतलब कितना स्टूडेंट 10,000 किलोग्राम, कितना स्टूडेंट 10,000 किलोग्राम। स्टूडेंट ये मिल गया हमें लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल फर्स्ट। स्टूडेंट इसी को हमें करना है शॉर्ट फॉर्म में करो, मतलब यहां पे 150 100 है 10,000 है, बहुत बड़े बड़े नंबर से कैलकुलेशन में दिक्कत आ जाएगी, इसलिए स्टूडेंट इसी को स्मॉल कर दो। तो स्मॉल कैसे करेंगे, किससे हम डिवाइड कर सकते हैं, तो स्टूडेंट देख लेना अभी 50 से तो डिवाइड कर सकते हैं क्योंकि 50 से 150 को डिवाइड हो सकता है, 100 को हो सकता है, इसको भी हो सकता है, तो कर देना स्टूडेंट डिवाइडिंग बाय 100। तो स्टूडेंट यहां पर लिख लेते हैं डिवाइडिंग बाय 100, 100 से डिवाइड करने के बाद कितना आ जाएगा, सॉरी डिवाइड बाय 50, तो आंसर कितना आ जाएगा स्टूडेंट 53 द 150। सो यहां पे आ जाएगा 3x प्लस 52 द डिवाइड करने के बाद स्टूडेंट डिवाइड करने के बाद कितना आ जाएगा आंसर 2y
ओके 3x plus 2y is equal to, अगर यहां से 50 से डिवाइड किया स्टूडेंट तो 0 0 कट हो जाएगा, 5 1 5 2 10 और ये ऊपर के दो जीरो मतलब आंसर आ जाएगा 200। ओके सो 3x plus 2y is equal to 200 स्टूडेंट, दिस इज द इक्वेशन नंबर 1 जो फॉर्म हुआ स्टूडेंट। अब हमें ढूंढना है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल फ्रॉम द सेकंड कंडीशन। सेकंड कंडीशन से हमें ये ढूंढना है, क्या है सेकंड कंडीशन, यहां से स्टूडेंट सेकंड कंडीशन 260 बॉक्सेस है, चलो लिख लेते हैं फ्रॉम द सेकंड कंडीशन। फ्रॉम द सेकंड कंडीशन क्या है स्टूडेंट, सेकंड कंडीशन 260 बॉक्सेस है टाइप ए के। सो स्टूडेंट 260 बॉक्सेस ऑफ द टाइप ए, सो टाइप ए का कितना वेट है एक्स प्लस, ओके और आर द लोडेड इन द ट्रक, इट कैन बी अकोमोडेट 40 बॉक्सेस। जब हम स्टूडेंट 260 बॉक्सेस ऑफ द टाइप ए के ट्रक में पुट करते हैं, वो पुट करने के बाद इतनी जगह मतलब वैकेंट रहती है, खुली रहती है, उसमें बी टाइप के बॉक्सेस की कितने बॉक्सेस बैठ सकते हैं स्टूडेंट, जगह कितने बॉक्सेस के लिए है अभी वहां पे 40 बॉक्सेस के लिए जगह स्टूडेंट वहां पे खुली है। तो स्टूडेंट यहाँ पे हम 40 बॉक्सेस ऑफ द टाइप बी और बी टाइप का जो बॉक्स है उसका वेट है वाई, और कुल मिला के टाइप ए के बॉक्सेस टाइप बी के बॉक्सेस इन दोनों का वेट की एडिशन अगर हमने की तो ट्रक स्टूडेंट फुल लोडेड होती है। और ट्रक कब फुल लोडेड होती है, ट्रक की कैपेसिटी 10 टन्स मतलब फुल लोड होती है, मतलब कितना वेट हो जाएगा 10 टन्स मतलब कितना स्टूडेंट 10,000 किलोग्राम। तो स्टूडेंट यहाँ पे हमें दूसरा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल मिला, बट स्टूडेंट यहाँ पे 260 40 10,000 बहुत बड़े बड़े नंबर स्टूडेंट यहाँ पे आए हैं। तो स्टूडेंट हम इसे क्या करने वाले, स्मॉल करने वाले। तो स्मॉल करने के लिए आपको पता होना चाहिए ये 260 40 और 10,000 को किस से डिवाइड कर सकते हैं। चलो स्टूडेंट देख लेना 40 से डिवाइड कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, 20 से कर सकते हैं। चलो स्टूडेंट 20 से देख लेते, 20 से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ओके 20 से कर लेते हैं। तो स्टूडेंट डिवाइडिंग बाई 20 क्योंकि स्टूडेंट 20 से सबको डिवाइड होता है, 40 को इससे डिवाइड होगा इससे भी होगा, बट 40 को 260 को डिवाइड नहीं हो सकता है क्योंकि 4 6 24 यहाँ पे 26 है। सो इसीलिए स्टूडेंट 40 से डिवाइड नहीं कर सकते, 40 से ये दो नंबर के डिवाइड हो सकता है 40 से, बट स्टूडेंट 40 से इसे डिवाइड नहीं हो सकता है। और स्टूडेंट अगर आपने 10 से डिवाइड किया तो आपको और 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, 10 से डिवाइड होता है सबको, 10 से डिवाइड करने पर आपको और 2 से डिवाइड करना पड़ेगा तो स्मॉलेस्ट फॉर्म हो जाएगा, इसलिए हम डायरेक्टली 20 से डिवाइड कर रहे हैं। चलो फर्स्ट स्टूडेंट यहाँ पे 20 से डिवाइड करने पर क्या हो जाएगा, 20 से स्टूडेंट 0 0 कट हो जाएगा, आंसर आ जाएगा 2 1 2 2 3 6 मतलब स्टूडेंट 13 यहाँ पे आ जाएगा 13x यहाँ पे प्लस स्टूडेंट 40 बाई 20 0 0 कट हो जाएगा 2 2 4 हो जाएगा, तो स्टूडेंट 2 2 4 2 से डिवाइड होता है, सो 2y इक्वल टू, अगर यहाँ पे हमने 20 से अगर डिवाइड किया ना स्टूडेंट यहाँ पे तो 0 0 कट हो जाएगा और 2 5 10 हो जाएगा और ऊपर के दो जीरो ये ऊपर के दो जीरो मतलब यहाँ पे आंसर आ जाएगा स्टूडेंट 500। स्टूडेंट दिस इज द इक्वेशन नंबर 2। स्टूडेंट यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 है, यहाँ पे इक्वेशन नंबर 2 है, y की जो कोई हमें अभी सॉल्व करना है स्टूडेंट इक्वेशन 1 एंड 2। स्टूडेंट अच्छी तरह से अगर आपने यहाँ पे देख लिया ना तो y का कोएफिशिएंट 2 2 आपको सेम दिखाई दे रहा है और उसका साइन अभी देखना है हमें, तो साइन प्लस प्लस जो है स्टूडेंट सेम साइन है सेम कोएफिशिएंट है, तो सबट्रैक्शन कर दो y स्टूडेंट एलिमिनेट हो जाएगा और x की वैल्यू हमें मिल जाएगी। अगर आपके दिमाग में ऐसा चल रहा है सर क्या हम क्रैमर्स रूल से सॉल्व कर सकते हैं, तो कर सकते हैं जो आपको इजी लग रहा है, बट स्टूडेंट क्रैमर्स रूल से भी करो और इलिमिनेशन मेथड से भी कर सकते हैं। तो स्टूडेंट देख लेना
हमारा क्या चल रहा था अभी, y का कोएफिशिएंट 2 जो सेम है उसी का साइन भी तो सेम है, मतलब सबट्रैक्शन करना पड़ेगा। तो स्टूडेंट हम यहां पे लिख रहे सबट्रैक्टिंग, सबट्रैक्टिंग इक्वेशन, इक्वेशन सबट्रैक्ट करो, कौन सबट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 वाला इक्वेशन हमें सबट्रैक्ट करना है फ्रॉम किससे, फ्रॉम इक्वेशन 1 से। तो हमें क्या मिलेगा इक्वेशन नंबर 1 यहां पे स्टूडेंट 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 200 एंड यहां पे स्टूडेंट सेकंड वाला 13x प्लस 2y इज इक्वल टू 500। स्टूडेंट हमें सबट्रैक्शन करना है, सो यहां पे प्लस साइन है तो यहां पे माइनस बनेगा, प्लस है माइनस बनेगा, प्लस है माइनस बनेगा। सब ख्याल दे रहे हैं ना, सबको ख्याल दे रहा है स्टूडेंट, देख लेना यहां पे 2y स्टूडेंट माइनस 2y कट हो जाएगा, 3x एंड माइनस 13x यहां पे हो जाएगा माइनस 10x, 3x माइनस 13x माइनस 10x ओके इज इक्वल टू स्टूडेंट 200 माइनस 500 तो कितना हो जाएगा माइनस 300। स्टूडेंट दोनों साइड के जो माइनस माइनस है स्टूडेंट वो निकल जाएंगे, कैसे माइनस साइन से अगर मल्टीप्लाई किया तो स्टूडेंट वो प्लस होते हैं, तो स्टूडेंट यहां पे आ जाएगा 10x इज इक्वल टू 300। स्टूडेंट हमें वैल्यू ढूंढनी है x की, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 300, 10 यहां पे मल्टीप्लाई है यहां पे डिवाइड हो जाएगा डिवाइड बाय 10, सो x इज इक्वल टू 00 कट, तो रह जाएगा स्टूडेंट x की वैल्यू मिल जाएगी 30। x कौन था, x स्टूडेंट यहां पे था x, x इज द वेट ऑफ द बॉक्स a, मतलब a जो बॉक्स था उसका वेट कितना हो जाएगा 30। स्टूडेंट चलो हमें ढूंढना है स्टूडेंट अभी y की वैल्यू जो है वेट ऑफ द टाइप बॉक्स b, तो स्टूडेंट पुट x इज इक्वल टू 30 इन द इक्वेशन 1 में पुट कर दो x इज इक्वल टू 30, 1 कहां पे स्टूडेंट 1 यहां पे है, तो x की वैल्यू 30 आपको पुट करना है। तो स्टूडेंट यहां पे मैं या स्टूडेंट ये जो है जो एग्जांपल उसके लिए बहुत जगह स्टूडेंट बोर्ड पे गई है, तो हम मैं उसे रफ करता हूं क्योंकि जो रहेगा एग्जांपल यहां पे लिखने के अच्छे से आप देख सकते हैं। स्टूडेंट देखो अभी पुट x इज इक्वल टू 30 इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 तो ये है 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 200, 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 200। स्टूडेंट x की वैल्यू हमें 30 पुट करनी है, तो 3 मल्टीप्लाई 30x वैल्यू 30 प्लस 2y इज इक्वल टू कितना 200। स्टूडेंट 30 इंटू 3 90, आपको टेबल आते हैं ना 33 कितना 90 और प्लस ये 2y इज इक्वल टू कितना 200। स्टूडेंट y की वैल्यू हमें ढूंढनी है, तो y स्टूडेंट एक साइड में कीप कर दो रख दो, तो यहाँ पे रहेगा 2y ये स्टूडेंट 200 90 इधर यहाँ पे आ जा आके कितना हो जाएगा माइनस प्लस से ए साइड में माइनस हो जाएगा, सो y इज इक्वल टू स्टूडेंट व्हाट इज इट 200 माइनस 90 110 ओके यहां पे 2 मल्टीप्लाई है यहां पे जाके क्या होगा डिवाइड, सो y इज इक्वल टू आ जाएगा आंसर आपका 55, 2 1 जा 2 5 जा 10 रह गया 1, सो 2 5 जा 10 मतलब स्टूडेंट 55 आ जाएगा आपका आंसर। तो स्टूडेंट a इज इक्वल टू 55 आपको मिला, x इज इक्वल टू 30 मिला, मतलब स्टूडेंट आपको जो वेट है जो टाइप ए बॉक्स का वो 30 हो गया और टाइप बी बॉक्स उसका 55 हो गया। यहाँ पे स्टूडेंट हमें अच्छे से नाम लिखना है, आंसर स्टूडेंट आंसर के लिए भी मार्क्स होते हैं, तो स्टूडेंट आंसर यहाँ पे नाम लिखना है आंसर और लिखेंगे वेट, वेट ऑफ टाइप टाइप ए बॉक्स इज इक्वल टू कितना x इज इक्वल टू कितना 30 किलोग्राम ओके, और स्टूडेंट वेट वेट ऑफ टाइप बी बॉक्स इज इक्वल टू कितना y इज इक्वल टू कितना 55 किलोग्राम। तो स्टूडेंट ये करके आपको इसे क्या करना है बॉक्स करना है, तो स्टूडेंट आप देख लेना पूरा एग्जांपल आपके सामने दिखाई दे रहा है। स्टूडेंट यहां से हमने सॉल्यूशन स्टार्ट किया था,
ये पूरे स्टेप, ए पूरे स्टेप्स, और ये वाला बेसिक स्टेप्स। और स्टूडेंट लास्ट में हमें आंसर अच्छे से लिख रहा है। तो स्टूडेंट याद रखना है, स्टूडेंट हमारी जो 1.5 एक्सरसाइज थी उसी में से 6 एग्जांपल आपको होमवर्क में है। जो स्टूडेंट हमें ऑलरेडी जो टेक्स्ट बुक में सॉल्व एग्जांपल है उसी टाइप का वो 6 वाला एग्जांपल है, आपको जरूर आएगा वो देखने पर, क्योंकि पूरा चैप्टर स्टूडेंट यहां पे हमारा खत्म होने वाला है। स्टूडेंट हम जाने वाले हैं प्रॉब्लम सेट की तरफ, बट स्टूडेंट जो भी आपको मैं होमवर्क भी कुछ देने वाला हूँ यहाँ पे भी सॉल्व कुछ कर एग्जाम कर